हरियाणा बीजेपी संगठन को लेकर सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी खबर, दिल्ली में सरकार और संगठन की बड़ी बैठक हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, हरियाणा भवन में देर रात तक एक महत्वपूर्ण बैठक चली है। सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी इस बैठक में मौजूद थे। हरियाणा बीजेपी के संगठन मंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा भी मौजूद रहे। संगठन महामंत्रियों और जिला अध्यक्षों को लेकर के यहां पर चर्चा हुई है। प्रदेश में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी फीडबैक लिया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है, दिल्ली में सरकार और संगठन की बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक में जहां प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे हैं और संगठन मंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा भी मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, यानी कि ये बैठक गुप्त रूप से हुई है और बेहद अहम ये बैठक। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, कितनी पुख्ता है खबर और कितनी महत्वपूर्ण, कितनी अहम ये बैठक हो जाती? बिल्कुल जितेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कल दिल्ली दौरा था, कल दिल्ली पहुंचे थे और जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है, पुख्ता सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है, उसमें कहीं ना कहीं संगठन और जो है सरकार के बीच एक अहम बैठक हुई है। देर रात तक ये बैठक जो चली है, देर रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी और हरियाणा बीजेपी संगठन मंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा की ये अहम बैठक हुई है। नई दिल्ली के स्थित हरियाणा भवन में ये बैठक हुई। बैठक में हरियाणा बीजेपी संगठन महामंत्रियों और जिला अध्यक्षों को लेकर भी चर्चा हुई है। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है वो मिल पा रही है। इसके साथ साथ भारत विकसित संकल्प यात्रा के तमाम जिलों में यात्रा का फीडबैक भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ देते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं काफी अहम बैठक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हाल ही में जो है प्रदेश अध्यक्ष बदला गया था और 2024 का जो समय है इलेक्शन का, लोकसभा जो चुनाव होने हैं तो काफी कम है। ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन के में बदलाव को लेकर चर्चा संभव थी और कयास भी लगाया जा रहा है कि जल्द जो है संगठन में बदलाव हो सकता है, जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है और कहीं ना कहीं जो महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री हैं, उनमें भी कोई फेरबदल जो है वो हो सकता है। तो उसको लेकर ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। कल देर रात ये बैठक हुई है तो कहीं ना कहीं संगठन के लिहाज से, सरकार के लिहाज से काफी अहम बैठक, यानी कि अब प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की संभावनाएं बढ़ गई। बिल्कुल, देखिए जब ये जब प्रदेश अध्यक्ष जब बदला गया, नायब सैनी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि ये बदलाव जो है जिला अध्यक्ष के लेवल पर या फिर जो महामंत्री हैं उनको बदलने की प्रक्रिया जो है वो जल्द शुरू हो सकती है, बदले जा सकते हैं, इस प्रकार की चर्चाएं जो है वो चल रही थी। तो कहीं ना कहीं पिछले जब दौरे में मुख्यमंत्री थे तब भी ये बैठक हुई, इसी प्रकार की एक बैठक हुई थी। कल जो मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर रहे तो कल भी इस प्रकार की बैठक रही, पिछली बैठक करीब 3 घंटे के आसपास चली है तो ये भी काफी लंबी जो है वो बैठक चली है, चर्चा इस बैठक में हुई है। तो संगठन को लेकर बदलाव देखा जा रहा है, तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिला लेवल पर तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है और कितने जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। तो ये बड़ी बैठक हुई है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है और अब प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की संभावनाएं बढ़ गई हैं क्योंकि जिस तरह से रवि जानकारी दे रहे थे कि ये बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक हुई है, सीएम दिल्ली दौरे पर रहे और देर रात ये अहम बैठक हुई है, नायब सैनी इस बैठक में मौजूद रहे और ये अब प्रदेश में संगठन में बदलाव को लेकर के चर्चा हुई है, इस तरह की जानकारी जो है वो सामने आ रही है और अब ये देखने वाली बात है कि कब तक बड़े बदलाव होते हुए नजर आते हैं प्रदेश संगठन में, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, प्रदेश संगठन और सरकार के बीच ये बड़ी बैठक। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, हरियाणा बीजेपी के संगठन मंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा भी मौजूद रहे।